तुला राशि वालों, सोमवार का दिन 4 सितंबर आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज आपके मन में खुशी रहेगी, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उत्साह से भरे होंगे और परिश्रम का फल भी मिलेगा। शुभ समाचार और भाग्य का साथ भी आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज पंचमी तिथि है, ध्रुव योग है, अश्वनी नक्षत्र है, केतु स्वामी है 9:26 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव है, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है। आज शुक्र मार्गी हो रहे हैं, सुबह 6:17 के बाद जब आपके लग्न का स्वामी मार्गी होगा, तब आपके जीवन में सुख बढ़ना आरंभ हो जाएगा। परिवर्तन के साथ तरक्की के अवसर, आमदनी के साथ संतुष्टि, सौभाग्य के साथ भाग्य का साथ है। जब जब शुक्र मार्गी होता है, आपका सोया हुआ भाग्य चमकने लगता है। ये जो समय है आपके लिए बड़ा लाभकारी है, बड़ा ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए भी है कि शुक्र आपके लग्न का स्वामी है। आज आपकी कुंडली के कर्म स्थान में शुक्र मार्गी हो रहे हैं। कर्म स्थान में बैठा शुक्र आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। आज आपकी कुंडली में लग्न के ऊपर केतु का गोचर है। सप्तम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति है, मंगल का घर है। चंद्रमा सप्तम भाव पर बैठकर लग्न में अपना प्रभाव दिखा रहा है और लग्न का स्वामी कर्म स्थान में बैठा है, जबकि लाभ स्थान में भाग्य का स्वामी बुध सूर्य के साथ गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी आपकी कुंडली के द्वादश में बैठा है। ज्यादा धन कमाना, बड़ी तरक्की पाना, सुख पाना, सौभाग्य की वृद्धि होना, सब कुछ आज आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम से आपके भाग्य बदलेंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। श्री राम जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सोमवार का दिन 4 सितंबर, आज चंद्रमा मंगल के घर में गोचर कर रहा है। आज चंद्रमा बृहस्पति के साथ युक्ति कर रहा है। भाद्रपद माह किस पक्ष की पंचमी तिथि है, ध्रुव योग है। ध्रुव योग में भाग्य चमकता है। अश्वनी नक्षत्र 9:26 तक केतु स्वामी होगा, उसके बाद भरणी नक्षत्र में शुक्र स्वामी रहेगा। आज आपकी कुंडली केतु और शुक्र से प्रभावित है। राहु की छाया है, बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज शुक्र मार्गी हो रहे हैं। सुबह 6:17 पर शुक्र मार्गी होंगे। शुक्र जब मार्गी होते हैं, तब आपकी जीवन में खुशहाली आता है। शुक्र की सीधी चाल आपकी जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव से आपकी किस्मत भी बदलती है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में तरक्की का योग भी बनता है। शुक्र इस समय अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है, जिससे आपकी जीवन की परिस्थिति भी बदलेगी और आपकी जीवन में शुभता भी आएगा, शुभ काम भी आपकी जीवन में होंगे। शुक्र जब मार्गी होकर गोचर करेंगे, तब आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। परिवार की खुशहाली और जीवन का सुख है आपको प्राप्त होगा। आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी इस दौरान पूरे होंगे। उम्मीद से ज़्यादा आपको लाभ होगा। आज का अच्छा समय
आपकी जीवन की स्थिति को बदलेगा, धन का संचय भी करेंगे और जीवन की जो समस्याएं हैं, जो समस्या आपको रह रहकर परेशान करती है, उन समस्याओं पर सफलता पाने का समय आरंभ हो गया है। मेहनत से जीवन में बहुत लाभ और तरक्की आपकी होने वाली है। ये जो समय है आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है, बड़ा ही शुभ है, क्योंकि केतु और शुक्र का प्रभाव है। केतु आपकी इच्छा शक्ति को जगाता है, केतु आपके अंदर साहस का संचार करता है, अचानक लाभ का अवसर भी केतु से प्राप्त होता है और शुक्र आपके जीवन में सुख देता है, किस्मत का पूरा साथ भी आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा मेहनत करके आप आसानी से बड़े सफलता पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियों बढ़ने की संभावना है, बेहतर दिन है, लाभकारी योग है। नौकरी व्यापार में आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार होगा, बड़ी सफलता मिलेगी, रिश्ते नाते आपके अच्छे होंगे, स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिसका बेहतर परिणाम भी आपके जीवन में प्राप्त होगा। ध्रुव योग है, कहते हैं ध्रुव योग में भाग्य का सितारा चमकता है। कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हो जाती है। आज बेहतर समय है, क्योंकि बृहस्पति और शनि की दृष्टि है। कोई खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब भी बृहस्पति और शनि की दृष्टि आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो इसका आपके मन पर, आपके विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी बड़े लक्ष्य को आप आसानी से हासिल कर लेते हैं, जीवन में ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे आपके जीवन में खुशी बढ़ जाती है, जिससे जीवन की चिंताएं दूर हो जाती है, यानी आपकी परेशानी भी खत्म होगी। अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके जीवन में बड़े तरक्की उन्नति भी आप प्राप्त करेंगे, ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। शुक्र का मार्गी होना आपके लिए बड़ा ही शुभ है, क्योंकि शुक्र जब मार्गी होते हैं तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आपकी जीवन में कुछ ऐसे काम पूरे हो जाते हैं, ऐसे बदलाव हो जाते हैं, रुका हुआ धन कहीं से मिल जाता है, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, जिससे जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। आपकी जीवन की परेशानी, आपकी जीवन का बाधा खत्म हो जाता है, जो मन में उत्साह, जीवन में उमंग को बढ़ाता है। आज दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। प्रथम चरण का मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, परिश्रम का पुरस्कार मिलेगा, अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान की तरक्की होगी। वहीं द्वितीय चरण का चंद्रमा आपके मन से निराशा के भाव को दूर करेगा, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि जागेगी, अपनी जिम्मेवारी को आप अच्छे से निभाएंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा, लाभ के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तृतीय चरण का स्वामी बुध जो आपके नौकरी व्यापार में धन की स्थिति को मजबूत बनाता है, जो आपके जीवन में कठिनाइयों को दूर करता है, जिसके प्रभाव से जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और जीवन में सुख बढ़ने लगता है। चतुर्थ चरण का बृहस्पति जिसके प्रभाव से आप उत्साही होते हैं, ज़्यादा धन कमाते हैं, धैर्य आपका बना रहता है और सुखद परिणाम की प्राप्ति होती है, मन में खुशी जागृत होता है, तो आज चारों चरण आपके लिए शुभ है, भाग्यशाली बनाएगा।
आज राहु काल 7:35 से 9:10 का समय राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 7 होगा। आपके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 4:30 से आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:30, अभिजीत मुहूर्त 11:55, विजय मुहूर्त 2:27 और अमृत काल भरणी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से रात्रि काल में जीवन में शुभता और सुख को बढ़ाएगा। तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।